हाय श्रद्धा, इतनी रात को तुमने फोन किया, सब कुछ ठीक है ना? वो हमारा फोन साइलेंट में था इसलिए। कब से फोन कर रही हूँ तुझे, अभी तुझे ईमेल कर रही थी, पर अब तेरा कॉल आ गया है तो एनीवेज, वो जो मीठी का बॉयफ्रेंड है ना, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ, तुमने कॉलेज में कहा था तुम उसे मीठी के साथ मिली हो, राइट? नहीं नहीं, तब तो मुझे याद भी नहीं था, मीठी के साथ नहीं मिली हूँ मैं उससे। और पता है उसका नाम विष्णु भी नहीं है। क्या? हाँ मुक्ता, वो तो कोई आकाश है, आकाश चैटर्जी। ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, तभी तो फोन किया ना तुझे। कौन? तुम सच कह रही हो ना? हाँ मुक्ता, और एक बात बताऊं, वो आकाश बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, इनफैक्ट बहुत खतरनाक है वो, मीठी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम अभी आते तुमसे मिलने। ओके। हेलो श्रद्धा, हम तुम्हारे हॉस्टल पहुंच चुके हैं। ग्रेट, तुम ऐसा करो 7th फ्लोर पे आ जाओ। यप, 702। ओके। एक्सक्यूज मी, किधर जा रहे मैडम? भाई साहब, हम 702 में जा रहे हैं श्रद्धा से मिलने। लगता है मुक्ता आ गई। मिलने का टाइम तो पता है ना आपको, 7 से 9:30, समझिए? भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। श्रद्धा ने खुद हमें फोन करके बुलाया, वो 702 में रहती है। आईडी प्रूफ है आपके पास? दिखाइए। आईडी प्रूफ लाना भूल गए। उसने बहुत जल्दी में हमें बुलाया था, इसलिए आईडी प्रूफ लाना भूल गए। देखिए, हम पर्स तक नहीं लाए, प्लीज हमें जाने दीजिए ऊपर। मैडम, हम बगैर आईडी प्रूफ के आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, समझिए आप, जाइए। अगर हम आपकी बात श्रद्धा से करा दे तो आप जाने देंगे? नहीं, अभी करवा दे। फोन स्विच ऑफ है, ये तो हमसे बात कर रही थी। और क्या अचानक फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? Thank you.
ये देखिए ये देखिए मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आज तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो मैं तो पूरी तरह फंस चुका होता। हमेशा साथ रहने का वादा है, आज कैसे ना साथ देती। थैंक यू सो मच। नहीं जीत पाओगी मुर्दा, क्योंकि किस्मत मेरे साथ है। क्या लड़की डिप्रेशन में थी? नो सर। कभी इसने सुसाइड के बारे में किसी को कुछ कहा था? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, ये दूसरों को जीने की प्रेरणा देती थी। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। सुसाइड? नहीं नहीं, या, या, या। इसने जान ली है श्रद्धा की। कौन होगा वो? विष्णु? आकाश? ये बात अब कैसे कहे? हमला क्या सही है और क्या गलत, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। हमने जो फैसला लिया है वो आपको छोड़ के जाने का, वो हम उसको बदल नहीं सकते अभी। पर वो रास्ता कठिन हो सकता है। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसी के सुखों पर पाँव रख कर तो आगे नहीं बढ़ सकते ना हम। अमला, ये क्या कह रही हो तुम? अपना घर, अपना पति छोड़ के चली जाओगी? कहाँ? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। माया, हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन ना समझ नहीं है। हम समझ चुके हैं माई कि ये हमारे पति नहीं है, ये सिर्फ इच्छा जी के पति हैं। और आज हम ये अधिकार और ये उनकी अमानत हम वापस करते हैं आपको माई। अमला, इस घर पर, इस परिवार पर तुम्हारा बहुत उपकार है। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे जीने का प्रबंध मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर इच्छा इस घर में नहीं आ सकती। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं आएगी। वो जो मीठी का बॉयफ्रेंड है ना, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ, और पता है उसका नाम विष्णु भी नहीं है, वो तो कोई आकाश है, आकाश चैटर्जी। कौन? किससे कहे हम? मेरे पापा से नहीं कह सकते, हम पुलिस से कहते और कुछ गलत होता तो सब हमसे ही नाराज होते। जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। विष्णु की सच्चाई हमें श्रद्धा बताने वाली थी, और उसकी मौत हो गई। किसने मारा होगा श्रद्धा को?
विष्णु ने? कौन मानेगा हमारी बात? सुबह बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ। आज ऑफिस में काम बहुत था, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ठीक है। ओका? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बात क्या है? क्या हुआ ओका? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? ये जब से हम घर में आए हमें समझ में नहीं आ रहा है हम किससे किससे ये बातें शेयर करें। को देखा आपसे कह रहे हैं भैया हमें विष्णु के बारे में बात करनी है। विष्णु के बारे हमें मीठी के भविष्य की चिंता है। मुक्ता के बात क्या है? मुक्ता बात क्या है? ये वो विष्णु है ना? पुलिस कह रही है कि श्रद्धा ने सुसाइड किया पर श्रद्धा के सुसाइड क्यों करेगी? बहुत डर लग रहा है भैया। हम बेवजह विष्णु पर आरोप नहीं लगा रहे लेकिन हमें विष्णु पर शक है। तुमने जो कुछ भी कहा है अगर वो सच है तो लेकिन अगर वो सच नहीं तो मीठी ना सिर्फ तुमसे बल्कि हम सबसे पहले की तरह नाराज हो जाएगी और फिर हमारे लिए उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुक्ता मैं नहीं चाहता कि मीठी फिर हम सबसे दूर हो जाए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पर मुक्ता भी तो मीठी के भले के बारे में ही सोच रही है ना। एक बार पता कर लीजिए कि मुक्ता के दोस्त के साथ आखिर हुआ क्या है और अभी मैया से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा लेकिन इस बारे में मैया को बताना बहुत जरूरी है। मैं कल ही सुबह मैया से बात करूंगा। श्रुतिक मीठी ये गहने तेरे लिए है सब अम्मू ने बनवाए हैं। बुरे वक्त में भी अम्मू हमेशा तेरी शादी के लिए बचत करती आई है। वाह ये कंगन देख कैसा है ये वाह कितना सुंदर है। ये सब अम्मू का प्यार और आशीर्वाद है संस्कार है अम्मू। बताए मैं तो बहुत डर रही थी कि शायद तुझे पसंद है। माँ ये तो बहुत प्यारा है बहुत सुंदर है ये। थैंक यू सो मच माँ। एक सेकेंड ये देख ये तेरी शादी का जोड़ा कैसा है ये तुझे पसंद आया ना? कैसी लगूंगी मैं इसमें ये देखिए बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। थैंक यू। अरे ये क्या है? अरे वो दिखाइए ना क्या है ये ना संभाल के रखा आपने। वाओ बीबी पिंक माय फेवरेट कलर। माँ ये किसकी साड़ी है कितना संभाल के रखा है आपने?
से पहन के मैंने शादी की थी। बहुत कीमती है मेरे लिए। आपसे कुछ मांगू? आप नानी कहेंगी ना, बेटा सब कुछ दे रही है, कुछ भी मांग ले। मैं अपनी शादी में ये साड़ी पहनना चाहती हूँ। मुकू, क्या हुआ भैया? मुकू, इस वक्त भैया और मीठी को विष्णु के बारे में हमारा शक जाहिर करना ठीक नहीं होगा। पर भैया हमें, एक सेकंड भैया। हाँ अनीता, क्या क्यों भैया? अब तक श्रद्धा के मर्डर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को लगता है वो एक सुसाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की की हत्या में विष्णु का कोई हाथ नहीं? थैंक गॉड। तो हम श्रद्धा को जानते वो सुसाइड कर ही नहीं सकती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम तीनों पुलिस के पास चलते हैं। शादी ही ठीक हो। अरे मीठी, ये बहुत सिंपल साड़ी है और बेटा ये कीमती भी नहीं है। इतनी सिंपल है, इतनी पुरानी है, तुझ पे नहीं जचेगी। तुझे तो ऐसा कुछ मेरे लिए बहुत कीमती है माँ, क्योंकि ये साड़ी पहन के मेरी माँ ने शादी की थी। से मेरे माँ का प्यार और आशीर्वाद दोनों है। मैं तो यही पहन के शादी करूंगी और देखना मैं इसमें बहुत खूबसूरत लगूंगी, पक्का। राजकुमारी, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, मैं ना कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। इतनी अजीब बात है भी, आपकी बेटी भी इसी साड़ी में शादी करना चाहती है। उसे कब उस दिन तो अब आएंगे ना कि बेटी को आशीर्वाद देने।